ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का हार्दिक स्वागत श्री श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव में। बहुत ही आनंद हो रहा है आप सबके बीच इस उत्सव में सम्मिलित होते हुए। यहाँ जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं उन सबको प्रणाम। राधाकांत प्रभु जी को प्रणाम, आनंद नंदन प्रभु प्रणाम, कृष्ण गोपाल प्रभु कृष्ण और सभी भक्तों को प्रणाम। मेरा प्रभु जी बात कर रहे थे 50 गौरनिताई विग्रह। जब भी हम श्री श्री गौरनिताई के विग्रहों का दर्शन करते हैं हृदय में बहुत आनंद होता है। 2004 में मायापुर धाम में पंचतत्व विग्रह का स्वागत किया गया, इंस्टॉलेशन हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, बहुत ही अद्भुत उत्सव था, बहुत ही अद्भुत। और भक्त बोल रहे थे जब ही उन्होंने श्री श्री पंचतत्व के दर्शन देखे, श्री गौरनिताई के दर्शन हुए और विशाल विग्रह को देखा, इतने सुंदर विशाल विग्रह मायापुर में आए, पूरे विश्व को बहुत ही आश्रित अनुभव हुआ। मानो कलयुग के सारे दोष एक तरफ बिल्कुल एक तिनके के समान तुच्छ हो गए हो जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अनुभव किया। इसके बारे में महाभारत में कथा आती है, पांडवों की भगवान कृष्ण के साथ होती है, जिसमें पांडव कलयुग के कहीं दोष भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत दृश्य जो उन्होंने कभी देखे नहीं, कहीं दृश्य देखते हैं। और कलयुग के सभी दोष देखने के बाद
एक दृश्य ऐसा देखते हैं जिसमें एक छोटा सा घास का तिनका और एक पर्वत से बड़ी चट्टान नीचे गिर रही है, और ये घास का तिनका उस चट्टान को रोक लेता है। तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे संभव है, एक घास का तिनका बड़ी चट्टान को रोक लिया, ये तो असंभव बात है। इस दर्शन का महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से समझाते हैं कि इस तत्व का महत्व क्या है। बोले कलिर दोष निधे राजन। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग जो है कहीं दोषों का सागर है। सागर है मतलब केवल दोष ही दोष है। कलयुग में अनगिनत दोष है, लेकिन ऐसे अनगिनत दोष होने के बावजूद भी एक घास का तिनका जो कि दिखने में बहुत ही मामूली दिखता है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संदह परम व्रजेत। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम का आश्रय लेता है तो कलयुग के सभी दोषों से बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए, इसी बात का प्रचार करने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार रूप में प्रकट होते हैं। गौर लीला में ही एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य दो भक्त हैं जगन्नाथ पुरी में ओडिशा में, उनके बीच में एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। भट्टाचार्य जी शास्त्रों के बहुत बड़े पंडित हैं, साक्षात बृहस्पति शक्ति के स्वरूप हैं, और सभी शास्त्र पढ़ने के बाद वो गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं कि आप बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, मैं विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने सभी शास्त्र पढ़े हैं और सभी शास्त्रों के अनुसार भगवान तो त्रियुगी हैं, केवल तीन युगों में अवतार लेते हैं, कलयुग में प्रकट नहीं होते। और ऐसा कभी कभी हमारे भक्त जो इस्कॉन इत्यादि में इस्कॉन में आते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, वो भी अक्सर ये प्रश्न कभी कभी कुछ भक्त वर्षों तक भक्तों के समूह में आने के बाद पूछते हैं, हमें विश्वास नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कैसे विश्वास करें, इतनी आसानी से विश्वास नहीं होता। अभी दो हफ्ता पहले ही एक भक्त है जो लगभग दो दशक से 20 ईयर से भक्तों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न है कि हमें विश्वास नहीं होता। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छे भक्त हैं, एक अच्छे सन्यासी रहे हैं, सन्यासियों में श्रेष्ठ रहे हैं, लेकिन भगवान है हमें आसानी से विश्वास नहीं होता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो दशक भक्तों के संग में बिताने के बाद भी व्यक्ति को ये प्रश्न है। तो जब शास्त्र खोल के देखा तो भट्टाचार्य जी बहुत बड़े पंडित हैं, उनको भी यही प्रश्न है। वो सारे शास्त्र खोल लिए, बोले किधर है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, मुझे विश्वास नहीं होता। गोपीनाथ आचार्य जो कि एक दिखने में साधारण व्यक्ति है, वो इतने बड़े पंडित नहीं है जैसे भट्टाचार्य है, वो एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति है, और देखा जाए तो उनसे कोई बड़े पांडित्य की आशा नहीं है। लेकिन जब वो भट्टाचार्य जी से प्रश्न सुनते हैं तो वो बड़ी स्पष्टता से उत्तर देते हैं। इसलिए बोलते हैं सिद्धांत बोलिया चित्र ना करे आलस। हर एक छोटे छोटे इंसान को, छोटे छोटे बच्चे को भी अच्छे से सिद्धांत सिखा देना चाहिए, तत्व सिखा देना चाहिए, ताकि कभी उसे कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार की कि हमारे जीवन का सिद्धांत क्या है। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, बोले आप सही बोल रहे हैं, एक दृष्टिकोण से भगवान त्रियुगी है, केवल तीन युग में आते हैं। क्योंकि अगर आप लीला अवतार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भगवान त्रियुगी है, क्योंकि भगवान के अवतारों की एक श्रेणी, एक कैटेगरी होती है लीला अवतार।
और लीला अवतार मतलब जब भगवान एक पर्टिकुलर लीला के लिए आते हैं, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, भगवान रामचंद्र है, वामन देव है, लीला करने के लिए आए, तो बोले लीला करने के लिए भगवान सत्य युग में आते हैं, त्रेता युग में आते हैं, द्वापर युग में आते हैं। लेकिन कलयुग में कोई लीला अवतार नहीं होते। लेकिन फिर गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् भागवत का संबोधन श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं, अगर आप युग अवतार की दृष्टि से देखेंगे, हर युग में एक युग अवतार होते हैं जो उस युग के लिए युग धर्म की स्थापना करते हैं। वो जरूरी है इस सिद्धांत को समझना। हर एक भक्त के लिए जो श्री गौरांग महाप्रभु के संपर्क में आता है, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। और बोले श्रीमद् सिद्धांत क्या है, श्रीमद् भागवत में दिया है कि एक युग में भगवान श्वेत वर्ण में आते, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, सत्य युग। फिर उसके बाद रक्त वर्ण में, रेडिश कॉम्प्लेक्शन में आते हैं, त्रेता युग। फिर बोले उसके बाद भगवान श्याम वर्ण में आते हैं, और उसके बाद कलयुग में विशेष रूप से भगवान पीत वर्ण में आते हैं, येलो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और उन्हें बोलते हैं कलयुग के युग अवतार। और गोपीनाथ सारे बोलते हैं, तो ये प्रस्तुति हमारी सुनिए, ये श्री चैतन्य महाप्रभु, ये श्री गौरांग महाप्रभु जो आपको एक उत्तम कोटि के सन्यासी दिख रहे हैं, एक बहुत उत्तम कोटि के भक्त दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि उनके शरीर में किस प्रकार से भक्ति के लक्षण हैं, किस प्रकार से भक्ति का उत्साह है, भक्ति का अनेक प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं आपके सामने। जो सन्यासी पड़े हैं, बैठे हैं इस समय, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलयुग के युग अवतार। और इस बात के बारे में भक्ति वेदांत ठाकुर ने सुंदर से सुंदर पुष्टि की है अपने नवद्वीप धाम महात्म्य में। एक और कथा बड़ी सुंदर आती है जो हमारी बहुत फेवरेट कथा है, जिसमें माता सीता रामचंद्र से पूछती हैं। एक समय रामचंद्र जब चिंतन करते हैं कलयुग पे, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो सीता पूछती हैं आपके मुस्कुराने का कारण क्या है। रामचंद्र बोलते हैं कि, और बड़ी सुंदर कथा देखिए, आज 22 तारीख है, एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद रामनवमी, 29 तारीख को रामनवमी। वो रामचंद्र बोलते हैं कि सबसे खुशी की बात यह है, मैं ध्यान लगा रहा हूं जिस स्थान पे हम बैठे हैं कलयुग में, इसी स्थान पे हमारा दूसरा अवतार होगा, जब मैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होऊंगा और आप विष्णु प्रिया के रूप में यहां पे विराजमान होंगे। और अद्भुत बात क्या है, इस युग में रामचंद्र त्रेता युग की बात कर रहे हैं, बोले इस युग में आप वनवास लेंगी, मैं महल में रहूंगा, और कलयुग में संयोग ऐसा बनेगा कि मैं संन्यास लूंगा और आप घर पे रहेंगी। ये सुनते ही सीता जी बड़ी मायूस हो गई। माता सीता सोच रही थी, ये करना जरूरी है कि हर युग में हमें अलग होना है। बात भी सही है, ऐसा करना जरूरी है कि हर युग में हमें अलग होना है। और देखिए, हम जब ये कथा सुनते हैं, हम बोलते हैं ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, वो अलग हुए त्रेता युग में, कलयुग में तो हर कोई अलग होता रहता है, Who cares? ज्यादा लोग सोचते नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जो भक्त सच में लीला में डूब जाते हैं, उनको इस बात का बहुत दुख लगता है कि अलग क्यों होना, ये अलग होने की बात क्या हुई, जीवन चल रहा है, ऐसे ही चलता है। अभी जैसे प्रभु जी ने इंट्रोडक्शन में बड़ी सुंदर बात बोली कि बोली वाली सत्संग 30 साल से कितनी सुंदरता से चल रहा है, ये 31वां साल है, और साथ ही साथ बता रहे थे कैसे भक्त लोग सेवा करते हैं, डिश वॉशिंग है, प्रसाद का है, माताएं लोग उनका उत्साह कब भी कम नहीं हो रहा, और वो बोलते बस ये चलता ही रहे। लेकिन जैसी बात आती है, रुक जाए, कल रुक जाएगा, परसों, अगले हफ्ते रुक जाएगा, अगले साल, वो सुन के डर लगता है क्यों रुक जाएगा, इतना सुंदर सत्संग है, इतना सुंदर भक्तों का समूह है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा को हर कुछ अनुभव शाश्वत ही चाहिए। और वैसे भी भक्ति तो आत्मा का शाश्वत स्वभाव है, तो भक्ति तो नेचुरली शाश्वत ही होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा क्यों आए।
चैतन्य लीला में एक और बड़ी सुंदर कथा आती है इसी संदर्भ में, अलग होने पे बात बात में। एक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम हुआ मुरारी गुप्त, जो राम लीला के हनुमान जी थे। वो मुरारी गुप्ता एक दिन अपने घर बैठे थे और विचार कर रहे थे शास्त्रों के ऊपर। देखिए जीवन में सबसे बड़ा आनंद शास्त्रों पे विचार करो, कथा सुनते जाओ और चिंतन करो और विचार करो और अद्भुत से अद्भुत बातें आपको समझ में आएगी उन शास्त्रों पे चिंतन करके विचार कर। वो विचार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ऐसी लीला क्यों करते हैं, जब भी आते हैं बोले मथुरा में जन्म लिया, मथुरा में जन्म लेके वृंदावन गए, वृंदावन में 11 साल रहे और 11 साल रह के छोड़ के वृंदा द्वारका आ गए। द्वारका में खूब आनंद दिया लेकिन द्वारका का अंत भी कोई अच्छा नहीं था, अनेक प्रकार का कलह हो गया, यदु समाज में सब अलग हो गए। बोले राम जी आए, राम जी ने सीता को एक प्रकार का दंड दिया, वनवास भेज दिया, सीता को अलग होना पड़ा। बोले जब भी अवतार में आते हैं पहले व्यक्ति को खूब समय तक अच्छा संग देते हैं और जब व्यक्ति पूरी तरह भगवान से एडिक्ट हो जाता है छोड़ के चले जाते हैं। बोले कैसा स्वभाव है ये भगवान का। और मुरारी गुप्त को पहले से इस बात का आभास होने लगा, हमें लगता है चैतन्य महाप्रभु भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। और मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की लीलाएं बताई है, एक्चुअली भक्तों को एडिक्शन था बुरी तरह से, बहुत सुंदर एडिक्शन था, नशा था चैतन्य महाप्रभु के संग का। कहीं जगह कहीं श्लोक लिखे हैं कि भक्तों के प्राण चैतन्य महाप्रभु को देख के चलते थे, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को देख के चलते थे, उनके जीवन में और कोई आनंद नहीं था, बस यही था कि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाए, केवल यही था। इसलिए कई कथाएं ऐसी हैं कि उनके जीवन में बड़ी से बड़ी हानि हो जाए बस चैतन्य महाप्रभु कीर्तन चलता रहे, जीवन में और कोई दुखी नहीं। तो मुरारी गुप्ता को भी इस बात का डर था, चले गए तो, और उन्होंने केवल शास्त्र पढ़ा, महाप्रभु से पूछा भी नहीं क्या आप जाने वाले हैं, क्या परमानेंट रहेंगे, सिर्फ उनके मन में विचार हुआ अगर ऐसा हुआ तो। वो विचार ही इतना भयावह था, इतना डर पैदा करने वाला था, इतना फियरफुल था। देखिए इस जगत में अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति, हम जैसे लोग इस जगत में रह रहे हैं और कुछ भौतिक चीज का डर बना रखे जो डर होने वाला भी नहीं है, उस व्यक्ति को मेंटल पागल बोलते हैं। उन्हें जो होने वाली नहीं उसका डर क्यों बना। लेकिन भक्ति में जो ये डर है ये बड़ा सुंदर डर होता है, ये भी भक्ति का एक दूसरा रूप है। मुरारी गुप्ता ने एक खंजर रख लिया अपने साथ, एक चक्कू रख लिया, कपड़े में छुपा लिया और सोचे कि सही समय पे आने पे मैं आत्महत्या कर लूं, कि मैं वो दिन देखना भी नहीं चाहता जब हमें चैतन्य महाप्रभु से दूर होना पड़ा। अभी चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं भगवान कोई क्रूर है आनंद देने के बाद छीन लेते हैं, भगवान को मालूम है कि व्यक्ति को एक उत्तम टेस्ट दो, एक उत्तम आनंद दो। और कभी कभी भगवान दूर चले जाते हैं व्यक्ति की आतुरता बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति की ईगरनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कभी कभी हम जिसके साथ हर समय रहते हैं उसको बहुत लाइटली लेने लगते हैं, और ऐसे कई किस्से हैं। लेकिन मुरारी गुप्त पूर्ण रूप से भगवान के चरणों से आसक्त थे, तो बोले ऐसा कुछ होगा आप चले जाएंगे तो डर बैठ गया। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, भगवान पहुंच गए मुरारी गुप्ता के घर। और जब भगवान पहुंचे मुरारी गुप्ता के घर, मुरारी अभी जैसे भगवान आए हैं घर पे आए हैं और स्वाभाविक है आप मुख से बोलेंगे बताइए क्या सेवा कर सकता हूं, आप जो सेवा बोलेंगे वो सेवा करूंगा, मैं तो बस आपका हूं, समर्पण है पूरी तरह से, जीवन में और कुछ आनंद नहीं है, सारे प्रॉमिस कर दिए। उत्साह है, भक्त को देखने का उत्साह है, भगवान को देखने का उत्साह है, सेवा का उत्साह है। चैतन्य महाप्रभु पक्की बात, मैं जो बोलूंगा वो करोगे, बोले हाँ पक्की बात, आप जो बोलेंगे वो करोगे। फिर से पूछा पक्की बात, मैं जो बोलूंगा वो करोगे, बोले हाँ पक्की बात, जो बोलूंगा आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। महाप्रभु बोले निकालो वो खंजर, निकालो। आप वो कैसे मारो खंजर है, वो तो छुपा के रखा है।
अरे कैसे बोलते हैं भगवान है, पूछ रहे कैसे मानो, ये भी एक अलग प्रकार की क्या भाव है, बोलते हैं आप भगवान है पूछ रहे कैसे मानो। भगवान ने उनका वो जो भी था चाकू खंजर जो भी था ले लिया और बोले अगर आपको लगता है कि हमारे संग में आपका जीवन चलता है, आपकी भक्ति चलती है, भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति मेरा जीवन चलता है मेरे भक्तों के संग में, अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरे रहने का क्या फायदा। आते हैं माता सीता की कथा में, माता सीता भी घबरा गई, अरे आप चले जाएंगे आप संन्यास ले लेंगे क्या चक्कर है, घर बारी ऐसा करना जरूरी है। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु माता सीता को वो दृष्टि देते हैं, वो विजन देते हैं कि वो कलयुग के परिस्थिति को देखे। और माता सीता कब देखती है कि पूरा का पूरा जो कलयुग है 432,000 ऐसे ऐसे भयानक फॉल्ट है, ऐसी ऐसी भयानक परिस्थिति है, कलयुग के जीवों के लिए कोई होप नहीं है, कोई उद्धार का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। लेकिन इन दोषों के सागर में माता सीता देखती हैं कि जगह जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सुंदर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, बोरीवली ईस्ट में बोरीवली वेस्ट में, कांदिवली ईस्ट में कांदिवली वेस्ट, बैंड्रा ईस्ट में बैंड्रा वेस्ट, गोरेगांव से जोगेश्वरी से मलाट से बैंड्रा अंधेरी, सब जगह कीर्तन हो रहा है। और जब माता सीता उस कीर्तन के प्रभाव को देखती है कि कैसे इस कीर्तन के प्रभाव से कलयुग के प्राणियों को कैसा आश्रय मिल रहा है और बहुत सरलता से अध्यात्म के उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, पतित से पतित अवस्था से, पतित से पतित सारे दोषों के होने के बावजूद अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं, माता सीता बोली ऐसा संन्यास वर्थ इट, बड़ा अच्छा। बोले अगर इस प्रकार का आनंद सब लोगों में बांटने के लिए आपको संन्यास लेना पड़े या हमें मिलके कैसी भी तपस्या करनी पड़े हम करेंगे, वी शुड डू इट, माता सीता बहुत खुश हो गए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई। एक समय की बात है, चैतन्य महाप्रभु अपनी माता शची माता से बात कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम जिनको नहीं मालूम, शची माता जो कि साक्षात यशोदा है, द्वापर युग में यशोदा हुई, 500 वर्ष पहले माता शची बंगाल में, शची माता से एक दिन बात कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु उस समय अच्छे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, अच्छे बहुत बढ़िया भक्ति का प्रचार कर रहे हैं नवद्वीप में। तो शची माता एक दिन बोलती है, अरे मेरे को एक सपना आया, बड़ा अजीब सा सपना आया, मैं वो सपना देख के घबरा गई। चैतन्य महाप्रभु बोले क्या सपना, बड़ा बड़ा ही अजीब सपना था। बोले हमारे घर में कृष्ण बलराम के विग्रह है, कृष्ण बलराम डेटीज, आपके किसी घर में है भगवान कृष्ण बलराम के डेटीज, पीछे माता जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, गुड, और किसी को है कृष्ण बलराम, माता जी हाँ। अभी आप देखिए आपको ये सपना आया कि नहीं आया जो शची माता को आया। बोले कृष्ण बलराम के विग्रह हैं और सपना बड़ा अजीब था। चैतन्य महाप्रभु जो कि निमाई और साथ में नित्यानंद प्रभु निताय, तो चैतन्य महाप्रभु बोली आपने मतलब निमाई, बोले निमाई माँ तो क्या आपने बोली तुमने बोली पता नहीं क्या बोली, बोले तुमने बलराम जी को अपनी गोद में लिया हो और नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण भगवान को अपनी गोद में लिया, इसे सपने में देख रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और बलराम से झगड़ा कर रहे हैं,
चैतन्य महाप्रभु की गोद में कौन है? आपसे पूछ रहा कौन है? बलराम। देखिए उल्टा कर दो, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन गोद में लिए हैं बलराम जी को, और साथ में कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु गोद में कौन है? सब लोग बोलिए, थोड़ा प्रभु जी लोग का तो आवाज ही नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, कृष्ण। और आपस में झगड़ा कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु और कृष्ण आपस में बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, ये तुम लोग कहां से आ गए? सारा भोग हमको लगता है और तुम खा जाते हो, सारा माखन मिश्री हमें मिलना चाहिए, तुम दोनों बीच में आ जाते हो। दिस इज नॉट फेयर, वेरी बैड। शायद उनको माखन मिश्री की जरूरत है, उनको माखन मिश्री दीजिए। नित्यानंद प्रभु बोले, ए तू कहां से आया? बोले तुम्हारा समय गया। बोले वो द्वापर युग था, तब ग्वालों का नगरी था, ग्वालों का समय था, खूब माखन मिश्री खाते थे, खूब दूध दही माखन खाते थे। बोले अब ब्राह्मणों का समय आया है, ये मत बोलो कि हम तुम्हारा खा रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे हिस्से का खा रहे हो। दिस इज बैड। शची माता, अभी शची घर पे ये सपना है, और शची माता के लिए चैतन्य महाप्रभु केवल एक बेटे हैं, नित्यानंद प्रभु केवल इज लाइक ए सन, दैट्स ऑल। अभी कौन अपने बेटे को भगवान देखता है? शची माता बोलती है, तो इतना सपना आया, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप चिंता मत करो, वो सपना था, लेकिन सपने के माध्यम से भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद हमें नित्यानंद प्रभु को अपने घर में भोजन के लिए बुलाना चाहिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, मैं भोजन बनाऊंगी, आप बुलाओ नित्यानंद प्रभु को। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को शची माता भोजन के लिए बुलाती है घर पे, और खूब अच्छा भोजन परोसती है, बढ़िया प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं, नित्यानंद प्रभु बैठ जाते हैं, और शची माता अपने घर के अंदर रसोई से कुछ भोजन लेने जाती है, चावल लेने जाती है। और जब वो चावल लेके आती है, जिस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और नित्यानंद प्रभु बैठे थे, अभी वो सब सपना था पहले, अभी वास्तविकता में हो रहा है। दिखती है सामने चैतन्य महाप्रभु की जगह छोटे से 5 साल के कृष्ण बैठे हैं, उधर बलराम जी बैठे हैं, और बहुत अद्भुत दृश्य। आप सोचिए, आप घर पे किसी को खाना खिला रहे हैं, वापस आते हैं, उनकी जगह रूप ही बदल गया, बड़े बालक सडनली छोटे से बालक बन गए, कृष्ण और राम पुराना अवतार आ गए। शची माता इतना घबरा जाती है, उसी समय वो बेहोश हो जाती है, गिर जाती है, और उनके हाथ से सारा चावल का थाली गिर जाता है, पूरा चावल इधर उधर बिखर जाता है। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखिए एक तरफ अपनी माँ को बोल रहे हैं आप चिंता मत करो, ये सपना है सपना है, दूसरी तरफ ऐसा प्रेम दर्शा रहे हैं माँ को भ्रमित करने के लिए, माँ को और आनंद देने के लिए, भ्रमित नहीं बोलूंगा, और आनंद देने के लिए, और एक्सटेसी देने के लिए ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। शची माता के घर एवरी डे कुछ ना कुछ अद्भुत लीला होती थी। जब चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ और वो लक्ष्मी प्रिया से विवाह करके आए, बोले जब लक्ष्मी प्रिया घर में प्रवेश करी, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो बंगाल के साधारण परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बहू बन के प्रवेश की हैं, एवरी डे शची माता को अद्भुत अद्भुत दृश्य दिखते थे। कभी कभी उनको दिखता था कहीं कहीं महिलाएं कमल का फूल लिए हुए, सुंदर सुंदर महिलाएं साक्षात लक्ष्मी जैसी, ऐसा अद्भुत दिव्य सौंदर्य उनके घर में भ्रमण कर रहे। कभी कभी उनको दिखता था कि आपको दिखता नहीं था, लेकिन ऐसी दिव्य सुगंध आती थी, वो सोच भी नहीं सकती थी ये सुगंध इस भौतिक जगत की हो ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल का फूल है, ऐसे दिव्य कमल का फूल है, उनके हाथ में ऐसी सुगंध आ रही है। और कभी कभी उनको दिखता था कि उनका पुत्र विराजमान है और निमाई पंडित के साथ में लक्ष्मी जी है, लेकिन कभी कभी लक्ष्मी जी की जगह उनको एक ऐसा अद्भुत तेज दिखता, मानो अग्नि के समान तेज उनके आसपास घूम रहा है।
और एक दिन की बात तो ऐसी है, शची माता अपने घर में अपने कमरे में विराजमान थी और उनको आवाज आई एक सुंदर ध्वनि की, वंशी की, एक वंशी वादन बांसुरी की ध्वनि की आवाज आई। वो भागती हुई गई, आवाज कहां से आई है, पहले तो कभी ये ध्वनि इस स्थान पे सुनी नहीं, ध्यान से सुना, अरे ये तो उनके ही घर के मंदिर से आ रही, और मंदिर में केवल उनका पुत्र निमाय पंडित विराजमान है। भागती हुई गई देखने के लिए, यहाँ पे कौन विराजमान है, देखा वहां पे तो निमाय पंडित है, और निमाय पंडित के आसपास एक सुंदर चंद्रमा का तेज दिख रहा है। बहुत आश्चर्यचकित हो गई। देखिए माँ के लिए, वो एक माता है, उनका पति नहीं है, उनका कोई और संबंधी नहीं है, केवल ये पुत्र है, और उसके साथ साथ हर दिन अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते रहते। शची माता की ये परिस्थिति थी उस आंगन में, अपने घर के आंगन में हर रोज ऐसा कुछ चमत्कार देखना। जब चैतन्य महाप्रभु बालक थे, अच्छा श्रृंगार करते थे, उनका अच्छे आभूषण पहनाते थे, बोलते एक दिन दो चोर आ गए, और वो चोरों ने सोचा कि हमारी बहुत दिनों से नजर है इस बालक पे, एक दिन हम इस बालक को उठा लेंगे और इसके सारे आभूषण चोरी कर लेंगे। मौका ढूंढ रहे थे, और निमाय भी छोटे से कभी भी बाहर निकल लेते थे, बाहर चले जाते थे घर के, किसी के भी हाथ पकड़ के निकल लेते थे। दोनों चोरों ने एक दिन मौका देखा, निमाय छोटा बालक बाहर घूम रहा है, गोद में उठाया और बोले चलो 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 घूम के आते हैं, घूम के आते हैं। एक चोर ने कुछ मिठाई ली, बोले ये संदेश लो, ये कुछ मिठाई लो, मिष्ठान लो। दूसरा बोला चलो चलो आपको यहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, गोद में ले लिया। और सोचने की बात है, ये दोनों चोर प्लानिंग कर रहे हैं निमाय पंडित को, निमाय बालक को चोरी धोखा देने की, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो कृष्ण अभी लगता है इन चोरों ने भगवत गीता नहीं सुनी थी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं ऑफ ऑल द चीट्स आई एम द बिगेस्ट चीट, बड़े बड़े धोखेबाजों में मैं सबसे बड़ा धोखेबाज हूं। चोरों को नहीं मालूम था हम किसके साथ धोखा करने जा रहे हैं। भक्तों को भी ये बात समझनी चाहिए। भागवत स्कंद में, छठे स्कंद में कथा आती है वृत्रासुर की। मैं ये चीटिंग के बारे में बता रहा हूं कुछ। वृत्रासुर बहुत बड़े शक्तिशाली राक्षस हुए, लेकिन उनका हृदय एक शुद्ध भक्त का, तो हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कोई राक्षसी शरीर में हो लेकिन उसका हृदय भक्त का हो, ये कैसे हो। तो उस संदर्भ में एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले राक्षसी शरीर मतलब आज की डेट में जरूरी नहीं कि हमारे बड़े बड़े दांत होंगे, कॉपरी हेयर्स होंगे, लाल आंखें होंगी, नहीं। बोले राक्षसी शरीर मतलब, राक्षसी शरीर और भक्त का हृदय मतलब, कुछ कुछ लोगों में शरीर का संस्कार ऐसा होता है कि गुस्सा ज्यादा आता है, वासना ज्यादा रहती है, लालच भी ज्यादा रह सकती है, द्वेष भी रहता है। इसे कुछ भक्त आप देखो उनको किसी से जलन नहीं होती, कोई कितना भी प्रगति करे ऐसा नहीं कि वो आलसी है, सोते रहते हैं, वो भी कुछ करते हैं, लेकिन उनके स्वाभाविक जलन उनके उनके चित्त में नहीं होती। आप में सच्ची बताओ, किसी ने ऑनेस्टली ऐसे लोगों को देखा जिनको जलन आसानी से नहीं होती है, प्लीज योर हैंड्स। मैं कुछ ऐसा कुछ अनुभव है, कुछ लोगों बिल्कुल किसी से जलन नहीं होती, ये बड़ा एक अद्भुत गुण है। कुछ लोगों में वासना का प्रभाव नहीं होता, और कुछ लोग इतने शांत होते हैं किसी पे कुछ गुस्सा नहीं आएगा, कभी उनको गुस्सा आ जाए तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये गुस्सा कैसे, कभी गुस्से में ही नहीं देगा। और कुछ लोग
बिना किस छोटी सी बात पर गुस्सा, मतलब क्या, इट जस्ट रेडी, इट्स ऑन द टिप ऑफ देयर नोज। अभी ये सब देखिए बड़े सुंदर गुण नहीं है, ये डिमोनियक फोर्सेस हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छा भक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो तीव्रता है भगवान की सेवा करने की, उसका जो इंटेंसिटी है इस दलदल से बाहर निकलने का, वो बहुत ज्यादा है। और उसके दूसरे विपरीत कुछ लोग हैं जो बिल्कुल क्रोध नहीं है, शांत स्वभाव है, जलन नहीं है, लेकिन कृष्ण को पाने की कोई इच्छा नहीं। तो एक तरफ आप देखिए संस्कार बड़े शुद्ध हैं, वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन भक्ति की चेतना वहां शुद्धता नहीं है, वहां मार खा गए। और एक तरफ कुछ लोग हैं जिनके संस्कार में बहुत गड़बड़ है, लेकिन उनकी भक्ति की शुद्धता, भक्ति की चेतना बहुत स्पेशल है, और भगवान उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते। इसलिए इंग्लिश में दो चीजें बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशंस एंड प्यूरिटी ऑफ संस्कार, दो अलग चीज हो गई। कुछ लोगों में संस्कार का प्यूरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है, लेकिन इंटेंशन, उनके मन में कोई चोर नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक बार मुरारी गुप्ता के घर पे गए, मैं वो चोर वाली स्टोरी पे भी आऊंगा, क्योंकि बात हो रही है मन में क्या लेके जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के घर पे गए और बोलते हैं, एक सन्यासी है काशी में, बहुत बड़ा पंडित है, उसके बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत पांडित्य है, और सन्यासी है तो सात्विक गुण तो होगा ही ना, होना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके शरीर में लेप्रोसी जन्म ले रही है, एक कुष्ठ रोग जन्म ले रहा है, सही समय पे आने के पे उसके अंदर का जो पाप है वो उस बीमारी के रूप में फलित होगा। सारे आश्चर्यचकित, इतना फेमस सन्यासी, इतने लोग जानते हैं, इतना बड़ा गुरु है, इतने लोगों को, लेकिन वो भक्त नहीं है, मायावादी सन्यासी है। सबके लिए बड़े आश्चर्यचकित, यहां पे एक साधारण दिखने वाले डॉक्टर मुरारी गुप्ता के घर पे बैठे हैं और वहां पे बड़े सन्यासी को बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं वो बुरा है, ये अच्छा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते कि किसी के संस्कार क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं, संस्कार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले देखते हैं उसके हृदय में कितनी सच्चाई है कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण की सेवा करने की। ये चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, इस बात को समझना चाहिए, और इस बात को समझ के व्यक्ति को बहुत आशा मिलती है कि मैं जितना भी पतित हूं संस्कारों से, लेकिन मेरे लिए भी चैतन्य महाप्रभु के हृदय में उतनी ही जगह है जितनी शुद्ध संस्कार वालों के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए हरि बोल। है कि नहीं? क्योंकि अगर आप किसी को देखते हैं उसमें क्रोध नहीं है, उसमें जलन नहीं है, बहुत शांत स्वभाव का है, तो व्यक्ति को जलन होगी, अरे कितने शुद्ध है, काश मैं भी ऐसा, चिंता मत करिए आप वैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है, दूसरे के जैसा बनना कोई जरूरी भी नहीं है, अपने अंदर सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारिए, बस कृष्ण को धोखा मत दीजिए, जो नहीं है वो बनने का कोशिश मत कीजिए, कृष्ण को धोखा मत दीजिए। कृष्ण को धोखा दिया तो कृष्ण ऐसा धोखा देंगे, ऐसा धोखा देंगे, देखता रह जाएगा व्यक्ति। इसलिए हमें हमारे संप्रदाय में सच्चे दिल के लोग चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार, इंटीग्रिटी वाले। दोष है तो सामने बोल दे, भाई मेरे अंदर ये दोष है, ठीक है, और ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, है तो है, ठीक है। चोर आते हैं, चोर की कथा पे, ये चोर भगवान के सामने आए थे, लेकिन भगवान को कोई सीरियस सिंसियरिटी से आश्रय लेने नहीं आए थे, ये चोर तो भगवान को धोखा देने आए थे। क्या देने आए थे? इतना ढीला मत बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या देने आए थे? आपसे पूछो, ईमानदारी से बताना, आप में
कभी ना कभी किसी ना किसी को छोटा या बड़ा धोखा किस किस ने दिया है? रेज योर हैंड्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी आपसे ईमानदारी से पूछ लिया प्रश्न। और वो चोर सोच रहे हैं भगवान को धोखा देंगे, रास्ते में बातें कर रहे हैं, मैं ना इसकी इसका जो हार है गले का वो लेके जाऊंगा। दूसरा बोलता है मैं ना इसका क्या बोलते हैं पॉमर पहनते हैं पायल लेके जाऊंगा। कुछ हाथ पे पहना था, बोला मैं इसका ब्रेसलेट लेके जाऊंगा, छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या क्या, मैं ये लेके जाऊंगा। बातें कर रहे हैं और बोलते हैं पूरा नवद्वीप देख रहा है, नवद्वीप में काफी लोग जानते थे ये बालक किसका है, लेकिन भगवान ने ऐसी माया चलाई भगवान सोच रहे थे चोरों को आनंद लेने दो, बहुत जरूरी है, भगवान सोच रहे थे ये चोरों को आनंद लेने दो, अगर नवद्वीप में कोई देख लेता तो पकड़ लेता, ये कहां लेके जा रहे हो, तो जगन्नाथ मिश्रा का बालक है। लेकिन कोई पकड़ ही नहीं पाया और बोलते हैं निमाई वॉज ए फेमस चाइल्ड, प्रसिद्ध बालक थे वो, क्योंकि भगवान ने माया से ढक दिया, चोर आनंद ले लंबे समय तक पूरा नवद्वीप घुमा के लाए और बोल रहे हैं बालक अभी घर आया। कैसे तो निमाई को एंगेज रख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि निमाई उनको एंगेज रख रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। वो सोच रहे हैं हमने भगवान को थोड़ा टाइम पास में लगा दिया, लेकिन भगवान सोच रहे हैं बच्चों कर लो टाइम पास जितना करना, ये भी सीखने वाली बात है। जीवन में कभी व्यक्ति धोखा दे रहा है, आनंद भी खूब ले रहा है, तो आनंद ले रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे वाह मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, भगवान खेल रहे हैं बेटा खेल ले जितना खेल रहे, खिला रहे हैं भगवान, घूमते वापस। जैसे बोले बेटा घर आ गया, जैसे ही चोरों ने बोला बेटा घर आ गया, निमाई हाथ से निकले नीचे गिरे और भागते हुए गए पापा, क्योंकि सामने खड़े थे जगन्नाथ मिश्रा। पापा मेरे प्यारे पापा, बहुत प्रेम था निमाई पंडित को जगन्नाथ मिश्रा से, बहुत प्रेम था पिता से, इसलिए बोलते हैं बाद में जब पिता का देहांत हुआ निमाई इतना रोए जैसे रामचंद्र दशरथ महाराज के देहांत के बारे में सुन के रोए थे। लेकिन चोर की कथा में क्या हुआ, ये दोनों चोरों ने देखा अरे हम तो अपने घर लेके जा रहे थे यहां कैसे पहुंच गए। यहां पे एक सुंदर बात है, एक चोर दूसरे चोर को बोलता है लगता है किसी मायावी ने हमारे ऊपर जादू चला दिया, दूसरा बोलता है लगता है आज हमने अपनी कुल देवी की उपासना नहीं करी इसलिए पकड़े गए। अभी यहां एक बड़ी सुंदर बात होती है, वो दोनों चोर एक दूसरे को जोर से आलिंगन करते हैं और बोलते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज बच गए। अभी यहां पता है सबसे बड़ी हंसने वाली बात क्या है, जिसके ऊपर वृंदावन दास ठाकुर हंसते हैं, बोलते हैं कितने बड़े मूर्ख हैं ये दोनों चोर। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ उदय पुष्पवंत चित्र शमदौ तमोनुदौ। आप लोग बोलना चाहेंगे मेरे पीछे ये श्लोक, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ उदय पुष्पवंत चित्रौषंदौ तमोनुदौ। ये श्लोक का मतलब है अरे सबसे बड़ा भाग्य इस पृथ्वी का उस दिन उजागर हुआ था जिस दिन श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु का उदय हुआ था। कैसे सूरज और चंद्रमा साथ में विराजमान है,
चित्रव शब्दव तमोनुदव, वो ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? चित्रव शब्दव, वंडरफुल बेनिडिक्शंस, मोस्ट वंडरफुल बेनिडिक्शंस। देवता लोग सोच रहे हैं मोस्ट वंडरफुल बेनिडिक्शंस, ऐसे आशीर्वाद तो भगवान ने किसी अवतार में नहीं दिए जो श्री श्री गौर निताई दे रहे हैं। कौन मूर्ख है जो सबसे पहले श्री श्री गौर निताई का आश्रय नहीं लेगा? कौन मूर्ख है? हाथ ऊपर करो। कौन मूर्ख है? तो मोरदो, जो हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। और ये बात चोरों की कथा में क्यों आ रही है? क्योंकि ये दोनों चोर एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। बोले कितने भाग्यशाली हैं हम पकड़े नहीं गए, ये तो माता पिता बालक के हमें पकड़ लेते हम बच गए। अरे वो मूर्ख ये नहीं सोच रहे, आज ही तो उनका सबसे बड़ा भाग्य था। और वो भाग्य क्या था? श्री निमाई पंडित डायरेक्ट उनकी गोद में आके बैठे थे। दिस इज द फुलिशनेस ऑफ द मेटीरियलिस्टिकली एब्सॉर्ब लिविंग एटीट्यूड। जो हम लोग जब भौतिकता में डूबे हुए हैं, सबसे बड़ी मूर्खता, हाथ में सबसे बड़ा हीरा आ गया उसको नहीं पहचाना, और इस जगत के मूर्खता जैसे छोटे मोटे भाग्य के लिए तालियां बजा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी ताली के बारे में नहीं बोल रहा, आपकी ताली तो बहुत अच्छी थी, चोरों वाली ताली। चोर खुश हो रहे हैं, भाग्यशाली हम बच गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा ये बालक अपने पिता से मिल लिया, वो तो भाग लिए वहां से और भागते हुए बातें कर रहे हैं, अरे देवी ने बचा लिया, कुल देवी ने, आज भाग्यशाली है, आज हमारे ग्रह अच्छे थे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उधर जगन्नाथ मिश्रा सोच रहे कौन ले गया इस बालक को, लेकिन पकड़ तो नहीं पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें पहचानना है कि भाग्य क्या है और भाग्य क्या नहीं है। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पुस्तक में लिखते हैं, व्हाट इज भक्ति एंड व्हाट इज नॉट भक्ति, क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है। ऐसे ही क्या भाग्य है और क्या भाग्य नहीं है, उसको पहचानना। ये चोरों को ये बात नहीं समझ रही। ऐसी एक महाप्रभु की बड़ी सुंदर कथा आती है एक मछियारे की। वो मछियारा एक दिन समुद्र किनारे जगन्नाथपुरी में मछली पकड़ने गया। उसने अपना जाल फेंका और उस समय क्या हो गया, भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को ढूंढ रहे थे, महाप्रभु किधर गए, महाप्रभु किधर गए, महाप्रभु किधर गए, और किसी ने बोला वो समुद्र की तरफ भागे, तो उनको आभास हुआ कि अरे समुद्र में कहीं डूब गए, पानी में चले गए, क्या हुआ पता नहीं। उतनी देर में ये मछियारे को देखा जो ऐसा कांप रहा था, पता नहीं क्या हो गया, जैसे कोई भूत ने इसको पकड़ लिया, ऐसा वो सोच रहा था, बुरी हालत थी उसकी, लोग समझ नहीं पा रहे जैसे क्या हो गया। जब थोड़ी बातचीत करी एक भक्त ने पूछा ये क्या हुआ, वो समझ गए ऐसे शरीर में लक्षण तो तभी आते हैं अगर किसी ने महाप्रभु को स्पर्श किया हो, उनकी कृपा प्राप्त की हो। उसने पूछा तुम्हारे क्या हुआ, बोले पता नहीं मैंने ये जाल फेंका, कुछ तो जाल में फंस गया और तब से ऐसा ऐसा हो रहा है। जाके देखा तो फेंका साक्षात उसने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया। अभी बड़ी अद्भुत कथा है, जिसने भगवान को पकड़ लिया, भगवान, अभी आचार्य लोग बोलते हैं कितने सारे तपस्वी योगी ज्ञानी पंडित भगवान को समझने की कोशिश कर रहे, और यहां वो सारे शास्त्रों के सार, सारे मंत्रों के सार, मूर्तिमान स्वरूप, सारे अवतारों के स्रोत, सोर्स ऑफ ऑल इंकार्नेशन, राधा कृष्ण कंबाइंड, श्री चैतन्य महाप्रभु उसकी गोद में आके बैठे, उसके जाल में आके, और वो सोच रहा है अरे मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया, इससे बड़ा दुर्भागी कौन होगा, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट व्यक्ति कौन होगा। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं देखो देखो इन मूर्खों को देखो, सोच रहे हैं कितने भाग्यशाली हैं कि हम यहां से भाग लिए, समझ नहीं पा रहे। और देखिए जब उन्होंने बालक को गोद में उठाया, इस बात को समझिए, उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया, निमाई को गोद में उठाया, कंधे पे बिठाया। और जब बालक को कंधे पे लेते हैं, कभी कभी बालक अपना अपने पांव हमारे सर पे रख देते हैं, राइट,
How many of you have experienced? कितने लोगों ने अनुभव किया है? इसका मतलब निमाई ने अपने चरण, जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती है, उन चोरों के सर पे रखा हो, लेकिन वो पहचान नहीं पाए, बिकॉज वो भगवान के पास चीटिंग भावना से गए थे, धोखे की भावना से गए थे, सच्चे दिल से उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया था। और इसीलिए कृष्णा ने प्रूफ, भगवान ने भगवत गीता का वाक्य प्रूफ कर दिया, ऑफ ऑल चीट्स आई एम द बिगेस्ट चीट, मेरे साथ धोखा मत करना, सच्चे दिल से आओगे, ईमानदारी प्रामाणिकता से आओगे, आपके अंदर हजारों जन्मों के हजारों पाप हो, मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा। दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू डिक्लेयर। और यही हुआ था जगाई मधाई की कथा में। कितने लोग जगाई मधाई कथा जानते हैं? हाथ उठाइए। अत्यंत पापी व्यक्ति यमराज बात करते हैं चित्रगुप्त से। यमराज जो सारा लेखा जोखा करते हैं, दिखते हैं किसने कितने पाप किए, किसने क्या किया, सब लिख के रखते हैं, उनका टीम है पूरा, सबका हिसाब है। आप प्रोग्राम में आए, यहाँ पे बाहर से आए, बस में आए, ऑटो में आए, रिक्शा में आए, कार में आए, यहाँ आके बैठे, कौन कथा कितना सुना, कितनी बार झपकियां ली, कितना बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, कितनी बार ध्यान भटका, सब हिसाब लिखा जा रहा है। आप सोच रहे हो किसी ने देखा नहीं, सब लिखा जा रहा है। इसलिए अर्जुन गीता में बोलते हैं, भगवान मुझे डर है पाप लगेगा। कलयुग में कौन परवाह करता है पाप पुण्य की? करते जाओ जो मन में आता है। जगाई मधाई ने एक पाप नहीं छोड़ा, एवरीथिंग, सबसे जघन्य पाप गौ हत्या तक कर डाला अपने हाथों से, एवरीथिंग, जो पाप का नाम लोड किया था। और अंत में तो हद हो गई, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर शारीरिक प्रहार भी किया, उनको मारने का कोशिश किया। लेकिन लंबी कथा है, जब सच्चे दिल से इन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपना सर समर्पण किया, अपना शीश समर्पण किया, भगवान ने उसी क्षण जिस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए बहुनाम जन्मनाम अंते मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों जन्म लग जाते हैं, हजारों मनुष्य में किसी, लाखों लाखों में किसी एक को मिलता है, कहीं जन्मों तपस्या करने के बाद मिलता है, चैतन्य महाप्रभु ने वो कृष्ण प्रेम तत्क्षण दे दिया। किसी ने बड़े प्रामाणिकता से सच्चे दिल से श्री गौर निताई के चरणों में आश्रय लिया। और बोलते हैं ये देख के यमराज जी जा रहे थे अपने रथ से, साथ में चित्रगुप्त भी थे, बोले जब यमराज ने ये देखा कि इस प्रकार की कृपा की है, यमराज बेहोश हो गए। यमराज को बेहोश देख के बोले, जब महाप्रभु कीर्तन करते थे या अनेक प्रकार की कृपा बांटते थे, अनेक देवता लोग अदृश्य रूप में वहां भ्रमण करते थे। ब्रह्मा जी जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने पूछा ये क्या हुआ, शिव जी ने पूछा क्या हुआ, बोले इस प्रकार से यमराज जी ने समाचार सुना, उनका पूरा जो सिस्टम था वो क्रैश हो गया, उनकी पूरी फाइल क्रैश हो गई, जगाई बधाई मुक्ति हो गई उनकी, उनको शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल गया, इसलिए यमराज जी सहन नहीं कर पाए, वो आनंद में बेहोश हो। बोले ब्रह्मा जी शिव जी ने सुना, अब इनको जागृत कैसे करना है। ब्रह्मा जी शिव जी ने सुंदर कीर्तन शुरू किया, ब्रह्मा जी ने कीर्तन, शिव जी सोची क्या कीर्तन होगा, यू नो हम लोग उत्सव करते हैं, अनेक भक्त हमारे कीर्तन करते हैं, उनको बुलाते हैं और वो कीर्तन में उत्साह आता है, जब ब्रह्मा जी और शिव जी कीर्तन करेंगे तो कैसा आनंद आएगा, कितने लोग देखना चाहेंगे। देखिए मैं उस दिन हम लोग गर्भिला कथा कर रहे थे मंदिर में, मैं बोल रहा था कथा सुनो ना तो मन में इच्छाएं जागृत होती रहनी चाहिए, मेरे को ये देखना वो देखना, मतलब भक्ति की इच्छा, ऐसा नहीं कि मुझे ब्रह्मा बनना है। एक भक्त तो आए थे मेरे पास क्लियरली, बोले मैं इसको मैं भक्ति कर रहा हूं लेकिन मेरी इच्छा है मेरे को वैकुंठ जाने से पहले कम एक जन्म तो स्वर्ग में बिताना है।
मुझे अच्छा लगा, सो ऑनेस्ट दैट पर्सन पूरा मुझे एक हजार तो स्वर्ग में बिता रहा है। बोले इतना सुना है स्वर्ग के बारे में, मुझे स्वर्ग जाना है। मैंने सुना है स्वर्ग के बगीचों के बारे में, स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में, स्वर्ग के नशे के बारे में, एक बार तो, क्योंकि मैंने सुना है भगवत गीता में लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार गोलोक वृंदावन चले गए तो वापस आने को नहीं मिलेगा। बोला जो देखना है देख के जाओ अभी। और अब मानेंगे नहीं, ये बात उसने मेरे को आई थिंक अभी नहीं, ये तो एक्चुअली बहुत पहली बार 10 साल पहले बोली थी, अभी याद आ रहा है, तो 10 साल पहले बोली थी। और मैंने उनसे अभी कुछ समय पहले बात किया, बोले हाँ मेरी अभी भी यही इच्छा है। मैं बोला क्या कर लो बात, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी अभी ये इच्छा एक बार स्वर्ग जाके आ रहा है। एनीवे ये स्वर्ग वाले ब्रह्मा जी शिव जी इच्छा होना चाहिए जब वो कीर्तन करेंगे। ऐसा कीर्तन किया यमराज ऐसे उत्साह में, ऐसे यमराज उठ गए और नाचने लगे। अभी यमराज नाच रहे हैं, चित्रगुप्त ने सोचा मास्टर नाच रहे हैं तो हम भी नाच लेते हैं। कभी कभी नौकर सोचता है मालिक क्या कर रहा है, मालिक नाच रहा है चलो बहती गंगा में हाथ धो लो हम भी नाच लेते हैं। बड़ा मुश्किल है, चित्रगुप्त को रेगुलर डांस करने को नहीं मिलता, वो भी आपका भाग्य सोचो, कभी भी फेस्टिवल और डांस कर लेते हो, वो बेचारे बिजी रहते हैं हर समय। ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, शिव जी नाच रहे हैं, बीच में ब्रह्मा जी ने सोचा मैं अकेला क्यों नाचूं, नहीं पहले शिव जी ने सोचा मैं अकेला क्यों नाचूं, मेरे पुत्र किधर है, कार्तिक और गणेश जी आ गए चलो पापा नाचते हैं। कौन सी इतिहास की किताब, कोई हिस्ट्री की किताब ये हिस्ट्री नहीं सिखाती हमको। जो 500 साल पहले बंगाल में सही इतिहास हुआ है ये सुनना चाहिए, ये सब हुआ है। किसने कीर्तन के इतिहास लिखे हैं, किसने लिखे हैं, क्या क्या कीर्तन हुए हैं बंगाल में। अभी प्रभु जी जो बता रहे थे इंट्रोडक्शन बोरिंग वाली कथा का, ये भी एक इतिहास है, लिखा जाना चाहिए कि 30 साल से लोग डेडिकेटेड होकर सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। कौन करता है आज की मुंबई नगरी में इतने बिजी टाइम में, एक इतिहास है, हिस्ट्री है, ये गौर लीला का एक महत्वपूर्ण इतिहास। अभी आप सोचिए 500 साल पहले का इतिहास क्या था, ऐसा अद्भुत अद्भुत इतिहास था। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वर्ष में चिंतन कर रहा हूं, नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन कराते थे बोले भक्त लोग ऐसे उत्साह में चले जाते थे 3 महीने तक नाचते रहते थे बिना खाए बिना पिए। इज इट नॉट ए हिस्ट्री, कोई ये एनसीईआरटी एआरटी भारती किसी ने लिखा है हिस्ट्री की बुक में ये होता था, है कि नहीं ये लिखे जाने वाली बात। 3 महीने तक नाच रहे हैं और बोलते हैं इतना उत्साह आ गया। वो बोले चलो गांव गांव जाते हैं, एक गांव में गए कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया, दूसरे गांव में गए वहां बच्चे ज्वाइन हो गए, तीसरे बच्चे ज्वाइन हो गए, इतने बच्चे ज्वाइन हो गए। अभी बच्चों को बिठाए रखना कीर्तन कथा में एक सीमा होती है, जल्दी भूख लगाती है, खाते ही रहते हैं हर समय, है कि नहीं। मैं एक बच्चों का पिकनिक ले गया, इसे दिल से बोल रहा हूँ, मैंने सोचा ब्रेकफास्ट खिलाएंगे, लंच खिलाएंगे, डिनर खिलाएंगे, वो हर 2 घंटे में भूख लगी है, हर 2 घंटे में भूख लगी है, इतना व्यवस्था नहीं था अपने पास। फिर मैं बोला चलो बिस्किट बिस्किट लाओ, अभी कहाँ खिलाएं इनको। बोलते बच्चे इतने उत्साह में चले गए 1 महीने तक, 1 month they were dancing बिना भोजन के बिना पानी के। ये इतिहास नहीं है, ये लिखने लायक चीज नहीं है, ये जानने लायक चीज नहीं है कि आनंद क्या होता है, हरि नाम का आनंद क्या होता है। इतना एक्सटेसी 1 महीने, और बोलते हैं वो बच्चों में इतना आनंद था, इतना आनंद था, आनंद की शक्ति देखो कैसी। देखिए जब व्यक्ति मायूस होता है ना शरीर काम करना बंद कर देते, ये गिलास उठाना हो व्यक्ति ये गिलास नहीं उठा सकता, मायूस पड़ा है ऐसा, उसे बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। लेकिन जब उत्साह होता है आनंद होता है, बेकार से बेकार शरीर में भी एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इसकी पुष्टि हुई है जगन्नाथ बाबा जी के जीवन में। जगन्नाथ बाबा जी का उम्र कुछ लगभग 140 साल जैसा सुना है, उतना उम्र था उनका, उनका शरीर पूरा झुका हुआ था, ऐसा गोल हो गया था, उनको एक बास्केट में लेके चलते थे, मतलब वो व्यक्ति चल नहीं पा रहा।
लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि में गए, इतने उत्साहित हो गए कि वो उस टोकरी से छलांग मार दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ऐ तो निमाई जन्मभूमि, ऐ तो निमाई जन्मभूमि। लोग आश्चर्यचकित, ये इनको लेके जाना पड़ता है और ऐसे छलांग मार दिए और नृत्य कर रहे हैं, कहां से आई? आनंद में ये शक्ति होती है, शरीर कितना भी बेकार हो जाए शरीर से अद्भुत कार्य करा देते हैं। अभी नित्यानंद, क्या नाम है? नित्यानंद। जोर से बोलिए नित्यानंद। और जोर से नित्यानंद। हाथ ऊपर जोर से बोलिए नित्य आनंद। जो आनंद नित्य काल तक चलता है, नित्य हमेशा अद्भुत आनंद। उन्होंने ये छोटे छोटे बच्चों में इतना आनंद भर दिया, इतना आनंद भर दिया, इतना आनंद भर दिया। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि जब कीर्तन में जा रहे थे, एक एक पेड़ जिसको 100 लोग मिलके ना हिला पाए, वो पेड़ को उखाड़ के उठा के जा रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। होता है किसी को विश्वास? ये है श्री गौरांग लीला। और अगर किसी को विश्वास नहीं होता, वृंदावन दास ठाकुर पहले से ही लिख देते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपका विनाश निश्चित है। लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ श्राप देके नहीं जा रहा, ये तो एक काव्यात्मक बात है ये याद दिलाने के लिए। ऐसा अद्भुत आनंद है हरि नाम संकीर्तन। देखिए, पहले मैंने सोचा क्या कथा सुनाऊंगा, ये कथा वो कथा वो कथा, लेकिन जब मैं बैठा, दिल में जो आनंद से बात आती गई वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया, सोचा कुछ तो निकला कुछ और। लेकिन गौरलीला है ही ऐसी आनंदमय। और निमाई पंडित बोलते हैं, इस जगत में हम लोग का मैक्सिमम समय चला जाता है दोषारोपण में, ब्लेमिंग अदर्स। जीवन में एक अद्भुत आनंद अनुभव करना है। वापिस आता हूं उन चोरों की कथा पे। वो दो चोर चले गए, पापा ने पूछा, बेटा कहां गया था और तुम्हें लेके कौन आया? वो बोल सकते थे, अरे वो दो चोर थे, वो तो मैंने माया घुमा दिया, नहीं तो पता नहीं कहां ले जाते। निमाई पंडित ने एक बार भी जगन्नाथ मिश्रा के समक्ष कोई ब्लेमिंग नहीं किया, कोई दोषारोपण नहीं किया। बोले, मेरा तो स्वभाव है, मैं तो स्वतंत्र स्वभाव का हूं, और स्वतंत्रता में घूमते 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 गंगा किनारे पहुंच गया, रास्ता भटक गया, दो सज्जन थे मुझे वापस ले आए। स्टोरी एंड नहीं, मेरी कथा एंड नहीं हुई, वो स्टोरी एंड हो गई। पॉइंट क्या है? अरे वो दो लोग वापस ले आए, कितनी अद्भुत बात है। इतना बोल के उन्होंने बैकअप कर दिया। निमाई पंडित बोल रहे हैं, समाज में दोषारोपण मत करो, डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, क्रिटिसाइज मत करो। अगर ये दो काम अच्छे से कर लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ध्यान पूर्वक करो, कीर्तन रूप में उत्साह से रहो, ये पहला हो गया। और दूसरा, भक्तों में दोष मत निकालो, भक्तों के प्रति अपराध मत करो। केवल ये दो सरल चीजें, केवल आप देखिए, भगवान के विग्रह की सेवा करी, उसमें धन लगता है, दूध है दही है घी है माखन है, उस सेवा में व्यवस्था लगती है। नाम जप में तो कोई व्यवस्था नहीं लगती, नाम जप में तो कोई खर्चा नहीं लगता। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, नेशनल पार्क में पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, कथा में कोई खर्चा नहीं लगता, सरल है। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति की गादी वाले इतने बड़े पंडित, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भट्टाचार्य उनके पिता की उम्र थे, महाप्रभु 24 साल के थे, उनसे पूछा, जगन्नाथ भगवान के समक्ष खड़े होकर पूछा, बताइए सभी धर्मों का सार निकाल के सबसे उत्तम अध्यात्म का मार्ग कौन सा है? टेल मी द बेस्ट। टाइम पास मत करना, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है वो भी, एक चीज बताओ, समय कम है, बहुत कम समय है, टेल मी वन थिंग दैट्स ऑल।
महाप्रभु बोले, अगर आप सच्चे दिल से पूछ रहे हैं वन थिंग, तो मैं भी सच्चे दिल से स्पष्ट बताता हूं, अगर कोई मार्ग आश्रय लेने योग्य है तो वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन और नाम जप जैसा। इस बात की पुष्टि जगन्नाथ भगवान के समक्ष की गई है महाप्रभु और भट्टाचार्य के बीच। और हमारा सबसे ज्यादा कृतज्ञता हमारी जानी चाहिए His Divine Grace श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति। आज शाम को मेरे कमरे में एक भक्त मिलने आए और बोले, उन्होंने इतना लंबा कथा, किसी के बारे में बोल रहे थे, वो इस्कॉन के तो नहीं है, कोई बता रहे थे, बोले इतना कथा किया, इतने बड़े सारे संतों के बारे में बताया, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में नहीं बताया। बोले सबसे चमत्कारी संत तो स्वामी प्रभुपाद रहे। कभी कभी भारतीय लोगों को श्रद्धा दिलवाना श्री श्री गौरनिताय की उपासना में और हरे कृष्ण महामंत्र की उपासना में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों में अटके रहते हैं, सरल चीज ले नहीं पाते। ये मैं आपको एक लास्ट उदाहरण दे रहा हूं। प्रभुपाद जी का देखिए ना कितना चमत्कार है, विदेश में रहे जिन्हें कुछ नहीं मालूम और इतनी सरलता से उन्होंने विश्वास कर लिया श्री श्री गौरनिताय के दिए मार्ग में। मैं कुछ दिनों से चिंतन कर रहा था मेरे पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, पता नहीं मैंने यहां भी कभी कथा में बताया होगा। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और उनके पास काफी पेशेंट आते थे, बाद में भी डॉक्टर बन गया तो कभी बैठा उनके पास, मुझे भी ज्ञान था किसके लिए क्या दवाई देनी है क्या है। एक पेशेंट आ गए, पिताजी ने बोला इसको लिटा दो अंदर और एक बड़ा बड़ा बॉटल लगा दो इंजेक्शन और उसमें ये दो इंजेक्शन डाल दो। पिताजी को पेशेंट को तो लिटा दिया उन्होंने। मैंने पिताजी से पूछा क्या इसको तो एक नींबू पानी इलेक्ट्रोल पिला देते ठीक हो जाता, इतना बॉटल लगाने की क्या जरूरत है। मेरे पिताजी बोले बैठ उसको जाने देते हैं अंदर। मैं बोला क्या, बोले ये पेशेंट कुछ साल पहले मेरे पास जब ही आया था पहली बार, तो मैंने तब भी उसको ऐसी ही कुछ समस्या हुई थी और तभी भी मैंने उसे कुछ घरेलू नुस्खा दे दिया, और जब घरेलू नुस्खा दे दिया वो व्यक्ति को इतना बुरा लगा कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, उसने सब जगह जाकर ढिंढोरा पीट दिया ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, दवाई इंजेक्शन देने की बजाय घरेलू नुस्खा दे देते। और जब मुझे मालूम चला ये ऐसा ढिंढोरा पीट रहा है, मैंने सोचा अगली बार इसको आने दो, ऐसा बिल बनाता हूं। मेरे पिताजी बोलते हैं उसके बाद ये जब भी आता है कम से कम एक ग्लूकोज की बॉटल तो चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा और उसमें एक दो इंजेक्शन ऐसे डाल दूंगा जिससे शरीर को नुकसान भी ना हो और बिल भी अच्छा खासा बन जाए। और वो बोले तब से जब भी आता है अच्छा कुछ हजारों का बिल बना के जाता है, अपनी भी कमाई हो जाती है और ये भी हंसता हुआ जाके अपने चार रिश्तेदारों को और लेके आता है डॉक्टर बड़े अच्छे। और मेरे पिताजी बोलते हैं आपके स्कूल की फीस इसी से बन रही है, ये कमाई हो रही है और आपकी काम चल रहा है अभी ये अद्भुत। और मेरे को आज बोलने में कोई चिंता नहीं है कि हमारी तो प्रैक्टिस कब से बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो गई, पिताजी तो उनका तो देहांत हो गया, मैं यहाँ आ गया। पॉइंट ये है तो अभी तो कोई हमें बोल भी नहीं सकता अरे आपने धोखा दिया है, अरे आपने बहुत कमाया है। लेकिन एक बात बोलो, कोई बोलेगा भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को धोखा चाहिए और धोखा देने वाले बैठे Cheaters and cheated। और ये उदाहरण प्रभुपाद जी का आचार्यों का दिया है, जैसे कोई नींबू पानी से ठीक होता है लेकिन उसे बड़ा बड़ा इंजेक्शन खर्चा करके मन को शांति मिलती है, हाँ दवाई ली। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए और दूसरों के प्रति अपराध नहीं कीजिए, आपको अध्यात्म की सर्वोत्तम परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको ये सरल सी बात समझ नहीं आती और हम अपने जीवन में अनेक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर लेते हैं।
तो हमें श्री प्रभुपाद जी को ये कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए कि उनकी कृपा से शास्त्रों के कठिन से कठिन सिद्धांत हमारे समक्ष इतनी सरलता से उपलब्ध हैं। उत्सव पे उत्सव करते जाओ, कीर्तन करो, हरि नाम करो, प्रसाद खाओ, भक्तों का संग लो और जीवन आनंद में बीत जाएगा। हे कृष्ण।